बॉस के 13वें सीजन के विनर और लाखों लोगों के चहेते कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से बाहर कई लोग शोक में डूब गए हैं। जिंदगी के 40वें साल में सिद्धार्थ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके चाहने वालों को अब तक इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। जिन्हें यकीन हो रहा है उनमें से कुछ लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच ऐसी एक खबर सामने आई है। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर उनकी एक फैन कोमा में चली गई है। इस बात की जानकारी एक डॉक्टर ने ट्विटर के जरिए शेयर की है। डॉक्टर जयेश ठकेर ने ट्विटर पर ये खबर शेयर की। उनके द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक सिद्धार्थ की एक फैन उनकी मौत की खबर सुनकर बाथरूम में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। इस घटना के बाद डॉक्टर ने ट्वीट कर सभी फैंस को अपना ख्याल रखने की सलाह दी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर ने लड़की की फोटो भी शेयर की है। डॉक्टर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों से बात करें, अकेले ना रहें। सिद्धार्थ के एक फैन को कल रात हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि वो बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। कृपया अपना ख्याल रखें, उसके लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि ज्यादा तनाव से इंसान इस तरह की आंशिक कोमा में जा सकता है। मुझे लगता है कि हर फैन को अपने आप को संभालने की जरूरत है। जो घटना हो चुकी है उस पर ज्यादा सोचने से बचें, अपने मन को विचलित ना होने दें। ये आसान नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको ये करना होगा।